मेरे प्यारे देशवासियों, हम अलग अलग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद अलमनाई मीट एक बहुत ही सुहाना अवसर होता है। और अलमनाई मीट ये सब नौजवान मिलकर के पुरानी यादों में खो जाते हैं, जिनकी 10 साल, 20 साल, 25 साल पीछे चली जाती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी अलमनाई मीट विशेष आकर्षण का कारण बन जाती है, उस पर ध्यान जाता है और देशवासियों का भी ध्यान उस तरफ जाना बहुत जरूरी होता है। अलमनाई मीट दरअसल पुराने दोस्तों के साथ मिलना, यादों को ताजा करना, इसका अपना एक अलग ही आनंद है। और जब इसके साथ शेयर्ड पर्पज हो, कोई संकल्प हो, कोई भावात्मक लगाव जुड़ जाए, फिर तो उसमें कई रंग भर जाते हैं। आपने देखा होगा कि अलमनाई ग्रुप कभी कभी अपने स्कूलों के लिए कुछ न कुछ योगदान देते हैं, कोई कंप्यूटराइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी कर देते हैं, कोई अच्छी लाइब्रेरी बना देते हैं, कोई अच्छी पानी की सुविधाएं खड़ी कर देते हैं, कुछ लोग नए कमरे बनाने के लिए करते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए करते हैं, कुछ न कुछ कर लेते हैं। उनको आनंद आता है कि जिस जगह पे अपनी जिंदगी बनी उसके लिए जीवन में कुछ करना, ये हर किसी के मन में रहता है और रहना भी चाहिए, और इसके लिए लोग आगे भी आते हैं। लेकिन मैं आज किसी एक विशेष अवसर को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों मीडिया में बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के भैरोगंज हेल्थ सेंटर की कहानी जब मैंने सुनी, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आप लोगों को बताए बिना रह नहीं सकता हूं। इस भैरोगंज हेल्थ सेंटर के यानी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में हेल्थ चेकअप करवाने के लिए आसपास के गांवों के हजारों लोगों की भीड़ जुट गई। अब ये कोई बात सुनकर के आपको आश्चर्य नहीं होगा, आपको लगता है इसमें क्या नई बात है, आए होंगे लोग। जी नहीं, बहुत कुछ नया है। ये कार्यक्रम सरकार का नहीं था, न ही सरकार का इनिशिएटिव था, ये वहां की KR हाई स्कूल, उसके जो पूर्व छात्र थे उनकी जो अलमनाई मीट थी उसके तहत उठाया गया कदम था, और इसका नाम दिया था संकल्प 95। संकल्प 95 का अर्थ है उस हाईस्कूल के 1995 बैच के विद्यार्थियों का संकल्प। दरअसल इस बैच के विद्यार्थियों ने एक अलमनाई मीट रखी और कुछ अलग करने के लिए सोचा। इसमें पूर्व छात्रों ने समाज के लिए कुछ करने की ठानी और उन्होंने जिम्मा उठाया पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस का। संकल्प 95 की इस मुहिम में बेतिया के सरकारी मेडिकल कॉलेज और कई अस्पताल भी जुड़ गए। उसके बाद तो जैसे जन स्वास्थ्य को लेकर एक पूरा अभियान ही चल पड़ा। निशुल्क जांच हो, मुफ्त में दवाएं देना हो, या फिर जागरूकता फैलाने का, संकल्प 95 हर किसी के लिए एक मिसाल बनकर सामने आया है। हम अक्सर ये बात कहते हैं कि जब देश का हर नागरिक एक कदम आगे बढ़ता है तो ये देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है। ऐसी बातें जब समाज में प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिलती हैं तो हर किसी को आनंद आता है, संतोष मिलता है और जीवन में कुछ करने की प्रेरणा भी मिलती है। एक तरफ जहां बिहार के बेतिया में पूर्व छात्रों के समूह ने स्वास्थ्य सेवा का बीड़ा उठाया, वहीं उत्तर प्रदेश के फूलपुर की कुछ महिलाओं ने अपनी जीवटता से पूरे इलाके को प्रेरणा दी है। इन महिलाओं ने साबित किया है कि अगर एकजुटता के साथ कोई संकल्प ले तो फिर परिस्थितियों को बदलने से कोई रोक नहीं सकता। कुछ समय पहले तक फूलपुर की ये महिलाएं आर्थिक तंगी और गरीबी से परेशान थी, लेकिन इनमें अपने परिवार और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था। इन महिलाओं ने कादीपुर के स्वयं सहायता समूह वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उसके साथ जुड़कर चप्पल बनाने का हुनर सीखा। इससे इन्होंने न सिर्फ अपने पैरों में चुभे मजबूरी के कांटे को निकाल फेंका, बल्कि आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार का संबल भी बन गई। ग्रामीण आजीविका मिशन की मदद से अब तो यहां चप्पल बनाने का प्लांट भी स्थापित हो गया है, जहां आधुनिक मशीनों से
चप्पलें बनाई जा रही हैं। मैं विशेष रूप से स्थानीय पुलिस और उनके परिवारों को भी बधाई देता हूं। उन्होंने अपने लिए और अपने परिजनों के लिए इन महिलाओं द्वारा बनाई गई चप्पलों को खरीदकर इनको प्रोत्साहित किया है। आज इन महिलाओं के संकल्प से न केवल उनके परिवार के आर्थिक हालत मजबूत हुए हैं, बल्कि जीवन स्तर भी ऊंचा उठा है।